हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोफिया आयरन किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी व्रत में खाए जाने वाली चटपटा सा मखाना चाट की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम हरी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मुट्ठी मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दिया, एक मुट्ठी पुदीना, छोटा सा टुकड़ा अदरक, 1/4 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून यहाँ पर पीनट ले लिया है यानी कि मूंगफली, सिंधा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और लेमन का जूस डाल रही हूँ मैंने 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब कि गाढ़ा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि पतला भी नहीं है, इस तरह का मैंने चटनी बन करके तैयार कर लिया है। अभी इसको हम थोड़े देर के लिए साइड में रख लेते हैं और आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम मखाना को भूनेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने ये 1 बाउल मैंने मखाना ले लिया है, तो इसको मैं सूखा ही भून रही हूँ। आप चाहे तो इसके इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। तो इसको भूनने के लिए 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है। देख सकते हैं अच्छी तरह से ये टूट गया है, पूरा मुरमुरा की जैसा ये क्रिस्पी हो गया है। तो ये अच्छी तरह से भून गया है। अभी यहाँ पर हम लास्ट में डाल देंगे 1 टीस्पून घी और यहाँ पर उबला हुआ आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, इसको डाल देंगे। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, चिल्ली पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल दिया सेंधा नमक और यहाँ पर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। यहाँ पर जो हम मसाले डाले हैं वो मसाला आप कुछ अगर नहीं खाते हैं तो आप बेशक इसको स्किप कर लीजिएगा, और आलू भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर देखिए सारे आलू मखाना में ये मसाला अच्छी तरह से कोटिंग हो गया है, तो ये अच्छी तरह से भून गया है। अभी यहाँ पर एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं और अभी इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे और ये देखिए मखाना अच्छी तरह से क्रिस्पी बन करके रेडी हुआ है। अभी यहाँ पर ऊपर से हम दही डालेंगे, तो दही में थोड़ा सा मैंने चीनी और थोड़ा सा सिंधा नमक डाल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी इसको हम ऊपर से डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून, आपको जितना चाहिए जितना पसंद है उतना आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मैं 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर डाल दिया। ऊपर से थोड़ा सा मैं कुकुम्बर डाल रही हूँ, आधा कुकुम्बर को मैंने बारीकी से चॉप कर लिया है। साथ ही डाल देंगे ये जो हम ग्रीन चटनी बनाए थे धनिया पुदीना का, उसको भी डाल देते हैं। इसको भी मैंने 3 से 4 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चटपटी सी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, व्रत के टाइम में खाने के लिए परफेक्ट है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये चटनी को। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा इमली की चटनी, इसको भी मैंने अदरक, भुना हुआ जीरा, सिंधा नमक डाल करके बनाया है। आप ज़रूर से इसको भी डालिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको भी मैंने 2 से 3 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा सिंधा नमक ऐड कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ये काली मिर्च भी डाल दिया, ऊपर से धनिया का पत्ता भी ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जो बारीक हुई वाला सेब आता है उसको भी डाल देते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने अनार की दाना भी ऐड कर लिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे और ये चटपटा सा मखाना चाट बन करके रेडी हो गया है व्रत में खाने के लिए। बहुत ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आप कुछ इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं आप नहीं खाते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।